अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2। इसमें जो हमने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 8 है इस तक, इसमें हमें फाइंड करना है ए नंबर एक कंपोनेंट फॉर्म फाइंड करनी है, और दूसरी चीज़ हमें फाइंड करनी है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी बोल सकते हैं और लेंथ ऑफ वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो पहले इनकी थोड़ी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। कंपोनेंट फॉर्म क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है इफ़ पी एंड क्यू आर टू वैक्टर्स एंड पी की वैल्यू है 2-2 और क्यू की वैल्यू है 3-1। ये इसमें आई और जे की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। आई जे और के ये तीन वेरिएबल्स होते हैं इसमें। तो अगर पी और क्यू की ये वैल्यूज़ हैं तो जो हमारे पास वेक्टर पी क्यू होगा, यानी वो हमें फाइंड करना है। तो पी क्यू हमारे पास क्या होगा? दो ही वैल्यूज़ होंगी इसमें भी। पहली वैल्यू क्या होगी इसको हम देखें, वैल्यूज दे लेते हैं। जो हमारे पास जो भी पहला वैक्टर होगा उसकी पहली वैल्यू को हम बोलेंगे एक्स वन, दूसरी को वाई वन। इसी तरह दूसरे वैक्टर की पहली वैल्यू को एक्स टू वाई टू, ठीक है। एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे वेक्टर पी क्यू। तो एक्स टू माइनस एक्स वन और कॉमा वाई टू माइनस वाई वन। तो जब भी वैल्यूज आएगी इनकी वो हमारी क्या हो जाएगी? वेक्टर पी क्यू, और वो हमारी होगी कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। तो इसको हमने उसको वैसे ही, मतलब जो न्यू वैल्यू आएगी एक्स टू माइनस एक्स वन, जिस तरह के 3-2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 करेंगे माइनस 1 और माइनस और माइनस माइनस प्लस 2, यानी माइनस 1 प्लस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 और 1 ये हमारे पास एक न्यू वेक्टर आ जाएगा पी क्यू, इसको हम बोलेंगे ये इसकी कंपोनेंट फॉर्म है। अगर क्वेश्चन करते हैं आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ है इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है या लेंथ फाइंड करना है। तो जो भी इसका कंपोनेंट फॉर्म आएगी उसी का हमने मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, तमाम जितनी भी टर्म्स हमारे पास होंगे उन तमाम का स्केयर लेके उनका स्केयर रूट ले लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। तो इसमें क्वेश्चन है हमारे पास यू इज इक्वल टू 3-2 और वी की वैल्यू है 2-5। इसमें से अभी हमने इसकी कंपोनेंट फॉर्म फाइंड करनी है और दूसरा इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो कंपोनेंट फॉर्म पहले फाइंड कर लेंगे हम इसकी। तो कंपोनेंट फॉर्म इसकी क्या होगी, ये पहले ए हम फाइंड कर लेते हैं कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। ये तो क्वेश्चन है हमारे पास, और क्वेश्चन 1 है हमारे पास 3u। तो 3u में हम क्या करेंगे, 3 में u की वैल्यू पुट कर देंगे। u की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3-2। तो इसको हम क्या करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों कंपोनेंट्स के साथ, तो क्या आ जाएगा 3 × 3 और 3 × -2, ठीक है जी। तो ये क्या बन गया हमारे पास 9-6। देख ले तो इसमें तो हमारे पास वेक्टर था ये एक यू, मतलब अगर दो वेक्टर होते तो हमने इसको फाइंड कर लेना था, लेकिन हमारे पास एक ही वेक्टर था यू। तो ये बाहर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म आ गई 9 और -6। अभी हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो ये इसकी पार्ट बी है 3u का मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। तो क्या बोला था, जितनी भी टर्म्स होंगी तमाम का स्केयर लेना है, 9 का स्केयर प्लस -6 का स्केयर और ऊपर स्केयर रूट ले लेना। ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। तो ये क्या बन जाएगा, 9 × 81 प्लस 6 × 36, तो ये बन जाएगा 117। तो ये हमारे पास बनता है 9 × 13, तो 9 हमारे पास 3 का स्केयर होता है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा और स्केयर रूट 13 जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड क्वेश्चन नंबर 1 का। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास -2v। इसमें पहले इसका फाइंड करेंगे कंपोनेंट फॉर्म ए में, कंपोनेंट फॉर्म फाइंड कर लेंगे। तो क्या है, -2v इज इक्वल टू -2 और वी की वैल्यू हमने यहाँ से देख लेनी है -2 -5। तो जस्ट अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 और -2 4 हो जाएगा, और ये -2 5 है, यहाँ पर -5 नहीं है। तो -2 -2 4 हो जाएगा और -2 × 5 -10 हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी कंपोनेंट फॉर्म आ गई। दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है मैग्नीट्यूड। तो -2v का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, तमाम टर्म्स का स्केयर क्या है, पहली 4 का स्केयर और प्लस 10 का स्केयर। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 16 प्लस 100, तो ये हमारे पास बन जाएगा √116। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई
29, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2√29। तो ये मेरे पास आ गया मैग्नीट्यूड क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 मेरे पास है u+v। तो पहले इसकी कंपोनेंट फॉर्म फाइंड करेंगे। तो a u+v इज इक्वल टू, u की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और -2, और प्लस v की वैल्यू है हमारे पास -2 और 5। ठीक है, इसमें हमने जस्ट इनको ऐड करना है, लेकिन इनको ऐड किस तरीके से करना है, ये पहली वैल्यू के साथ ऐड होगी और दूसरी वैल्यू के साथ ऐड होगी। तो ये u प्लस वी क्या बन जाएगा हमारे पास 3 − 2 = 1 बन जाएगा, और −2 + 5 क्या बन जाएगा −3। तो ये हमारे पास आ गया इसका कंपोनेंट फॉर्म आ जाएगी। अब हमने b में इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है। तो मैग्नीट्यूड में क्या करेंगे, 1² + −3² तो ये बन जाएगा 1 + 9, और ये बन जाएगा √10। जी, तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बल्कि सॉरी, यहाँ पर देखें ये क्या था, −2। अच्छा, यहाँ पर हमने ऐड करना था, तो −2 + 5 हमारे पास 3 जो था 3, ये माइनस हमने मिस्टेक से लगा दिया। बाकी आंसर हमारा ठीक ही है, ये माइनस यहाँ पर नहीं आता। तो क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास u − v। तो इसमें पहले a पार्ट करेंगे, कंपोनेंट फॉर्म फाइंड करेंगे। तो u − v इज इक्वल टू, u की वैल्यू क्या थी अभी पीछे से देख के लिखते हैं, यहाँ पर लिखी थी 3 − 2 और 5। 3 − 2 − v की वैल्यू है −2 और 5। जी, तो ये देखें हमने यहाँ पर u और v की वैल्यू लिख ली। अभी हमने इसको माइनस करना है। तो ये देखें, 3 में से −2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 − −2, और दूसरी है −2 में से माइनस करेंगे 5। ये अपने यहाँ पर प्लस माइनस के साइन ज़रा ध्यान से लगाने हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारे पास माइनस की मिस्टेक्स की वजह से हमारे पास पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ये 3 + 2 = 5 बन जाएगा, और ये बन जाएगा −2 − 5 − 7। तो ये हमारे पास इसकी कंपोनेंट फॉर्म आ गई। बी में हमने करना है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड, 5² + −7² तो ये आ गया 25 + 49। ये मेरे पास आ गया √74। जी, तो यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का।